मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 16 मई 2023 मंगलवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। नजर डालते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो आपको बता दूं, राहत की खबर यह है, थोक महंगाई अप्रैल में घटकर 0.92% पर आ गई है। इससे पहले मार्च 2023 में थोक महंगाई दर 1.34% रही थी। दरअसल यह लगातार 11वां महीना है जब होलसेल महंगाई कम हुई है। अप्रैल में खाद्य महंगाई दर 2.32% से घटकर 0.17% रही है। रोजाना जरूरत के सामानों की महंगाई दर 2.40% से घटकर 1.60% रही है। आगे बढ़ते हैं देश की एक और बड़ी खबर। कर्नाटक में कांग्रेस चुनाव तो जीत गई है, लेकिन सीएम पद को लेकर कांग्रेस में माहौल गर्म है। वजह है यह है कि कर्नाटक में सीएम पद के दोनों दावेदार सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार पार्टी के लिए बेहद अहम है। मामला इस कदर पेचीदा हो गया है कि कांग्रेस आलाकमान कोई फार्मूला तलाश कर रही है, ऐसा फार्मूला जो दोनों दावेदारों को मान्य हो। दरअसल आलाकमान को डर है कहीं राजस्थान जैसी परिस्थितियां न बन जाए। आलाकमान किसी को भी नाराज नहीं करना चाह रहा है, न तो सिद्धारमैया को और न ही डीके शिवकुमार को। वहीं सुझाव यह भी आया है कि सीएम कार्यकाल को दो हिस्सों में बांट दिया जाए। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर, कर्नाटक सीएम पद के लिए चुनाव करना कांग्रेस के लिए बहुत टेढ़ा काम हो गया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं क्योंकि राजस्थान से भी बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा सोमवार को जयपुर में पूरी हो गई है। भांकरोटा में हुई जनसभा में पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन का ऐलान कर दिया है। पायलट ने अपनी ही सरकार के सामने तीन मांगे रखी है और कहा है कि इसी महीने के आखिरी तक यदि यह मांगे नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश में हम आंदोलन करेंगे। गहलोत पर निशाना साधते हुए पायलट ने कहा कि हम बिना पद के गाली खा खा कर संगठन के लिए काम कर रहे हैं और आप सत्ता में बैठकर मलाई खा रहे हैं। पायलट ने सरकार के सामने तीन मांगे रखी है। पहली, आरपीएससी को भंग कर नई संस्था बनाई जाए। दूसरी मांग है कि पेपर लीक पर सरकार मुआवजा दे। और तीसरी मांग ये है कि वसुंधरा सरकार के दौरान हमने जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे उन पर जाँच शुरू हो। आगे बढ़ते हैं नागौर जिले से बहुत बड़ी खबर। नागौर के मेड़ता रोड कस्बे में 24 घंटों में 3 बच्चों की मौत हो गई है। परिजनों के अनुसार आइस स्टिक यानी कि कोल्ड लिक्विड शीत पेय खाने से बच्चों की मौत हुई है, जिसके बाद पूरे गांव में मातम छा गया। किसी भी घर में चूल्हे नहीं जले। परिजनों ने बताया कि इन तीन बच्चों ने एक दिन पहले एक कोल्ड ड्रिंक पी थी, उसके बाद उन्हें लगातार उल्टियां होने लगी। परिजन लेकर निकट के अस्पताल पहुंचे तो उन्हें जोधपुर रेफर करना पड़ा। फिलहाल प्रशासन और चिकित्सकीय टीम जांच कर रही है। प्राथमिक कारण फूड पॉइजनिंग ही माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं राजस्थान से एक और बड़ी खबर। प्रदेश में आईएएस अफसरों की ट्रांसफर लिस्ट जारी की है। कार्मिक विभाग ने लिस्ट जारी की है। 74 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर किया है और बड़ी बात यह है, नए घोषित 15 जिलों में पहली बार विशेषाधिकारी लगाया गया है। भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव कुंजी लाल मीणा को हटाकर IGPRS में महानिदेशक बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट है। राजस्थान में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसके असर से अगले 2-3 दिन तक आंधी बारिश का दौर बना रहेगा। वैसे आपको बता दूं, बीते 24 घंटों के दौरान भी उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में आंधी ने जबरदस्त कहर मचाया है और कुछ इलाकों में अंधड़ और बारिश के कारण तापमान में मामूली गिरावट भी देखी गई है। अब मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर 18 मई तक अंधड़ की स्थिति बनी रहेगी। खासकर जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, टोंक, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, बीकानेर, श्री गंगानगर समेत कई जिलों में तेज रफ्तार आंधी और बारिश का दौर आने वाले 2-3 दिनों तक बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, किसानों के लिए बड़ी अपडेट है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त का किसानों को बेसब्री से इंतजार है और बड़ी अपडेट ये है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि किसानों को इस किस्त की राशि जल्द ही मिल सकती है। पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त मई के अंत में आने की उम्मीद है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की अगली किस्त 26 मई से 31 मई के बीच कभी भी जारी हो सकती है।
यानी कि मई के अंत में पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त आने की संभावना जताई जा रही है। वैसे आपको बता दूं, फरवरी में 13वीं किस्त जारी की गई थी। यही थी प्रदेश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।